हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पकोड़े। इसमें मैं आपको आलू और गोभी के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने 1.5 कप बेसन लिया है और यह है राइस फ्लावर। अब इसमें मैं डालूंगी अजवाइन, जीरा, और हींग। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून और नमक। नमक स्वाद अनुसार डालना है, जैसा आपको सही लगे। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जो ना ज्यादा थिक हो ना ज्यादा थिन हो। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बैटर बिल्कुल आपको ऐसे रखना है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा। अगर ज्यादा पतला होगा तो वो फटने लगेगा तेल में जाते ही, और ज्यादा ठीक होगा तो पकेगा नहीं, इसलिए नॉर्मल रखना है बिल्कुल। चलिए अब हम सेकेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आलू और गोभी पहले से कट करे थे और इन्हें बिल्कुल 5 मिनट के लिए गर्म पानी में डालना है ताकि गोभी पक जाए और आलू भी पक जाए। देख सकते हैं मैंने पहले से ही 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिए हैं, पतले पतले स्लाइस काटने हैं। ये देखिए, हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। मैं आपको तेल गर्म करने का तरीका बताती हूँ, कैसे पता चलेगा कि तेल गर्म हो गया। एक ड्रॉप आप इसमें डाल के देखिए, अगर ये फटाफट से ऊपर आ जाती है तो यानी तेल बिल्कुल सही गर्म हो चुका है हमारा। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है आपको भी, ताकि बेसन अच्छे से पक जाए, क्योंकि जो हमारे आलू और गोभी में हमने पहले से ही बॉईल कर लिए है, तो सिर्फ हमें बेसन को पकाना है। देखिए अब धीरे धीरे पकने लगे।
बहुत ही इजी है ये रेसिपी, इसे लोग आलू भाजी भी कहते हैं। आलू मैंने निकाल लेंगे, पक चुके हैं। ऐसे ही हम सारे डाल लेंगे। डाल दिए, ये गोभी का है। इसी तरीके से आप आलू, प्याज, गोभी, बैंगन सबके पकौड़े बना सकते हैं। धीरे धीरे पकने लगे हैं, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हम सारे सेक लेंगे। देखिए मैंने सारे बना लिए। अब गर्मा गर्म चाय या चटनी के साथ सर्व करें।